everyone. So now, as you know very well, which chapter is going on, and this is your third part of this chapter. As you know very well, today, okay, this is your part 3 of this chapter, and from tasting to digesting. As you know very well, in Zoom lecture we are learning this chapter. हम लोग ये chapter सीख रहे हैं, okay, and अलग अलग different taste के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So now your PVS chapter 3, okay. So let's start explanation part 3. So please all of you concentrate here. So now see everyone, page number 27. It's given that, see, कि when I am hungry, okay, this girl is saying that कि when I am hungry, my headache, okay, मुझे सिर दर्द होने लगता है. कुछ देखो like this, this boy is very irritating boy, कि I get angry easily when I am hungry. मुझे गुस्सा आ जाता है जब मुझे भूख लगती है तो. Okay, यहाँ पर ये boy बोल रहा है when I am hungry, I feel tired. जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं थक जाता हूँ. See here, I cry too when I am hungry. मैं रोती भी हूँ जो कि, या फिर बच्चा कह रहा है कि मैं रोता भी हूँ और जब मैं जब हंगरी होता हूँ, भूखा होता हूँ. ठीक है, अंडरस्टूड अबाउट दिस पिक्चर्स. सपोज़ आप भी अगर हंगरी हो, ठीक है, आपको भी भूख लगी है, तो आप भी कुछ एक्सप्रेशन दोगे, या फिर किसी पे गुस्सा करोगे, या फिर टायर्ड फील करोगे, या फिर रोने लगोगे, या आपको हेडेक होने लगेगा, या स्टमक पेन होने लगेगा. ओके, तो इसी तरह आपको ये सारी फीलिंग्स, ओके, जब आप भूख लगती है तो आप फील कर सकते हो. ओके, तो दीज आर सम पिक्चर्स एंड इट्स गिवन कि जब भूख लगती है तब क्या होता है. ओके, चलो नेक्स्ट, इन पार्ट 3 वी लर्न, दिस इज योर पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर पार्ट 3. ओके, नाउ सी, नीतू वॉज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप. इट मीन्स वॉट, नीतू जो है, ओके, वो बीमार है और उसको ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है. ग्लूकोज ड्रिप इन द सेंस, यू कैन सी दिस इज नर्स एंड दिस इज नीतू. ओके, जो नीतू है वो बीमार है और उसको ये ग्लूकोज के जो बॉटल्स होते हैं, जैसे सपोज आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि कोई वीकनेस होती है तो उसको, ओके, ग्लूकोज के बॉटल्स दिए जाते हैं. ठीक है, सो लाइक दिस, के ग्लूकोज बॉटल्स उसको दिए गए हैं बाय द ड्रिप. इट मीन्स वॉट, निडल यानी सुई लगाकर उसकी बॉडी में ग्लूकोज सॉल्यूशन पहुंचाया जाता है. सो दिस इज स्टोरी कि नीतू वॉज वेरी सिक, वो बहुत बीमार थी. प्लीज़ ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट हियर, दिस इज़ योर चैप्टर 3, ओके, एंड इट्स पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट हियर, दिस इज़ अ लेंथी चैप्टर. इसमें आई थिंक 4 से 5 पार्ट्स हैं. सो प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेटली अच्छे से इसको रीड भी करना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए. ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन. हमेशा उसको वॉमिटिंग होती रहती थी, लूज मोशन होते थे, हमेशा वो टॉयलेट जाती रहती थी, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ता था. ठीक है, क्योंकि उसका स्टमक अच्छा नहीं था, पेट खराब था. नाउ वॉट एवर शी एट, जो भी वो खाती थी, शी वॉमिटेड, वो उल्टियाँ कर देती थी. ठीक है, हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके पापा ने उसको शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन दिया. बाई इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी. ओके, एक दिन वो बहुत ज़्यादा क्या फील कर रही थी, एकदम वीक, मतलब बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी. जैसे आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना, कुछ खाना नहीं खाते हो तो कमज़ोर महसूस करते हो. ओके, एंड उसको चक्कर आ रहे थे, डिजी मीन्स चक्कर, उसको चक्कर आ रहे थे. ठीक है, इट मीन्स लाइक वेरिएबल्स होते हैं जिससे चक्कर नहीं आ जाते, आपको सब घूमता हुआ दिखाई देता है. ओके, सो लाइक दैट, कि उसे चक्कर आ रहे थे और उसे वीकनेस होने लगी. ठीक है, व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर, शी फेंटेड. ओके, जब वो डॉक्टर के पास गई, इट मीन्स क्या हुआ कि शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर. जैसे ही वो डॉक्टर के पास गई तब उसने क्या देखा कि शी फेंटेड, बेहोश हो गई. ओके, वो बेहोश हो गई. फेंटेड मतलब बेहोश होना, डिजी मतलब चक्कर आना. प्लीज़ नोट डाउन ऑल दीज हार्ड वर्ड्स, डिजी मतलब चक्कर आना, फेंटेड मतलब बेहोश होना. हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके फादर उसको फटाफट डॉक्टर के पास ले गए. द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. फादर ने कहा नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. ठीक है, क्यों एडमिट क्यों करना पड़ेगा, एज यू नो वेरी वेल कि उसको एडमिट क्यों करना पड़ेगा.
कि नीतू जब बेहोश हो गई तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा बिकॉज शी नीड्स टू गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप। तो नर्स ने डॉक्टर ने कहा कि उनको ग्लूकोज ड्रिप देना पड़ेगा बिकॉज वो बेहोश हो गई हैं। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज, ये सुनकर नीतू तो कन्फ्यूज़ हो गई। जब उसे थोड़ा सा होश आया तो वो कन्फ्यूज़ हो गई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल, वो जानती थी जब हम गेम खेलते स्कूल में तब वो गेम खेलती थी, द टीचर समटाइम्स गेव दम ग्लूकोज टू ड्रिंक। उसे याद आया कि टीचर्स कभी कभी उनको ग्लूकोज देती थी, ठीक है, जब वो स्कूल में कोई गेम खेलते थे या। बट वॉट वॉज ए ग्लूकोज ड्रिप, उसे इतना तो पता था कि ग्लूकोज उसको दिया जाता है। जैसे आप कभी स्कूल में कभी कुछ बीमार हुए हो मे बी, तो सपोज़ आपको स्कूल में से किसी ने कुछ खाने को दिया हो, ठीक है, इट मीन्स शुगर दिया हो, चक्कर आते हैं तब, या फिर आपको कोई ग्लूकोज या लेमन जूस दिया हो, ओके, सो इट मीन्स उसे ये सब चीज़ें दी गई। तो उसे याद आ गया कि ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है, ग्लूकोज तो सुना है बट ग्लूकोज ड्रिप इज़ वॉट। सो नाउ हियर सी एवरी वन, प्लीज लुक एट हियर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू। द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, बट वॉट वॉज ए ग्लूकोज ड्रिप, डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, योर स्टमक इज अपसेट, ओके, आपका पेट खराब है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, सी के डॉक्टर ने कहा योर स्टमक इज अपसेट, योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर, आपकी बॉडी ना तो खाना ले रही है ना ही पानी पी पा रहे हो आप, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, ठीक है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, ग्लूकोज ड्रिप आपको बहुत जल्दी, क्या क्विकली मतलब बहुत जल्दी क्या देगा, एनर्जी देगा, ताकत देगा, ठीक है, इसीलिए तो ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है जब किसी को वीकनेस होती है। आपने हॉस्पिटल में कभी गए हो तो जैसे कोई किसी को तकलीफ होती है या कोई बीमार होता है उसे वीकनेस हो जाती है तो उसे ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, निडल से, सुई से, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इवन विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए उनकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज ड्रिप। सो डॉक्टर आंटी ने क्या किया, उन्हें एक्सप्लेन किया कि आपका पेट तो खराब है, आपकी बॉडी ना तो कुछ खाना खा ले रही है ना ही वाटर ले रही है, एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और बहुत वीक होती जा रही है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग, कुछ खाए बिना वो आपको बहुत जल्दी क्या देगा, एनर्जी देगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हमें कुछ खाना ही नहीं है, अंडरस्टूड। तो दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि नीतू जब बीमार हुई तो उसे ग्लूकोज ड्रिप दिया गया, और ग्लूकोज ड्रिप में इट मीन्स ग्लूकोज ड्रिप होता क्या है उसे एक्सप्लेन किया डॉक्टर आंटी ने, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, लिसन एवरी वन, लिसन केयरफुली, टॉक एंड डिस्कस, दीज आर सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गिव दीज आंसर्स, कि डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास फूड यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर, सो वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, जिसको वॉमिटिंग और लूज मोशन होता है उनको ये सब क्यों दिया जाता है, इसके बारे में आप क्या सुनते हो, ओके, क्या सोचते हो, और वो सब आपको एक्सप्लेन करके बताना है, देन आई विल एक्सप्लेन यू दीज क्वेश्चन आंसर्स, ओके, और भी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको देने हैं, फाइन, सो अंडरस्टूड, ओके, सो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टूड, कि आपको बताना है कि कभी आपने शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया है, ओके, नीतू के फादर ने इसके लिए बनाया था सॉल्ट एंड शुगर का और उसको दिया था, लेकिन आप क्या सोचते हो कि ये किसी को क्यों देना चाहिए, जब वॉमिटिंग और लूज मोशन होते हैं तब क्यों देना चाहिए। सो इन केस ऑफ वॉमिटिंग लूज मोशन द अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीजेज इन द बॉडी विच कैन डेंजरस, जब आपको लूज मोशन होता है या वॉमिटिंग होती है ना तो हमारी बॉडी में से शुगर वाटर एंड सॉल्ट की कमी हो जाती है और बहुत ज़्यादा कम हो जाता है हमारी बॉडी में, पानी भी कम हो जाता है, शुगर भी नहीं रहता है बॉडी में, सॉल्ट भी चला जाता है, सो दैट्स वाई विच कैन बी डेंजरस, और जो बहुत डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, तो सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन इज़ गिवन टू रिप्लानिश द लॉस, इट मीन्स उसकी भरपाई कर देता है, जैसे कोई चीज़ हमसे खो जाती है, ठीक है, और अगर उसके बदले हमें वैसी ही सेम चीज़ कोई मिल जाए, इट मीन्स वो कि हमें रिप्लानिश
इट मीन्स वॉट, उसकी उसकी भरपाई हो गई है. सो अंडरस्टूड दिस आंसर, इन केस ऑफ अगर वॉमिटिंग या लूज मोशन में वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, तो सॉल्ट एंड शुगर हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाता है और वो बहुत डेंजरस है. तो शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ओके इज गिवन टू रिप्लेनिश द लॉस. इसीलिए हमें वो सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि वो जो हमारी बॉडी में से लॉस हो गया है वो वापस हम लोग कवर कर सकें हमारी बॉडी में वाटर सॉल्ट शुगर. ओके, दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एज यू नो वेरी वेल. तो दिस आंसर यू कैन राइट इन योर होमवर्क नोटबुक. ओके, नेक्स्ट सी, एज यू नो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ग्लूकोज है या डापर ग्लूकोज डी, ठीक है, एंड ग्लूकोन डी जो होता है अपने घर में शायद ये होगा. तो ये जब हमें कब दिया जाता है, हमारी एनर्जी ओके गेन करने के लिए, हमारी एनर्जी बनी रहे इस तरह से. तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल भी होती हैं मे बी. तो अगर आप ये डेली अगर पानी में सॉल्यूशन के साथ बनाकर ओके वाटर में इसको लाइक स्टीरिंग करके इसको पूरी तरह से घोल के आप पीते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी हमेशा बनी रहेगी. इसीलिए कहा जाता है ना कि ग्लूकोन डी बहुत एनर्जेटिक है एंड ग्लूकोज या फिर ये ग्लूकोज डी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत, इसमें फ्लेवर्स भी ऑरेंज फ्लेवर्स है ये सब आते हैं और आप इसको डेली पियोगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी. ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ग्लूकोज. देखो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाने के बाद कितने टाइम बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट टेक्स सम टाइम टू गिव एनर्जी एज यू नो. जैसे ग्लूकोन डी हम पीते हैं उसके बाद हमारे स्टमक में जाएगा, देन पूरी बॉडी में हमारे एनर्जी ओके क्रिएट करेगा, ठीक है. तो टेक सम टाइम टू गिव एनर्जी, इट मीन्स ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, हमारे स्टमक में जाने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा. बट ग्लूकोज ड्रिप जो होती है, ड्रिप इट मीन्स सुई से इन लाइक यहाँ पर देख सकते हो कि जो सुई होती है तो उससे निडल से हमें ये बॉटल जो डॉक्टर्स हमें ग्लूकोज ड्रिप देते हैं तो गिव्स इंस्टेंट एनर्जी. ये हमें तुरंत एनर्जी देती है हमारी बॉडी में. अगर हमें लूज मोशन या वॉमिटिंग हो गई है, हमें चक्कर आ गए हैं एंड हम कभी भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, वीकनेस फील करते हैं, ग्लूकोज एंड शुगर एंड वाटर की कमी होती है हमें, ओके, तो इट मीन्स वॉट, ग्लूकोज ड्रिप हमारी बॉडी में वाटर शुगर सॉल्ट की कमी पूरी कर देता है. तो इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, ये हमें बहुत जल्दी एनर्जी देता है. सो अंडरस्टूड कि ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ड्रिप में क्या फ़र्क है. सो नेक्स्ट पिक्चर नाउ सी, दीज आर क्वेश्चंस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एज यू नो वेरी वेल. ओके, स्पेस आर नॉट गिवन देन प्लीज राइट इन योर होमवर्क नोटबुक. अगर स्पेस नहीं दी है देन प्लीज़ राइट इन होमवर्क नोटबुक, अदरवाइज इट्स ओके, नो नीड टू राइट. सी दीज क्वेश्चंस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन सी कि हमें बताना है कि हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या कभी आपने ग्लूकोज टेस्ट किया है, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को या अपने सिस्टर को किसी को आप बता सकते हो कि आपने ग्लूकोज टेस्ट किया है या नहीं, ठीक है. सो नाउ सी दीज क्वेश्चन आर गिवन, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज गिवन, येस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट टेस्ट इज स्वीट, उसका टेस्ट स्वीट होता है, पता है थोड़ा सा स्वीट एंड सॉल्टी होता है. सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू एवर और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, वैन वाई टेल द क्लासेज अबाउट. ओके, इट मीन्स कभी आपके फैमिली में किसी को भी ग्लूकोज ड्रिप दिया गया है, कब और क्यों दिया गया है. तो आंसर है मे बी यू हैव सीन ग्लूकोज ड्रिप बीन गिवन टू ग्रैंड पेरेंट्स. अगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स को जैसे कोई वीकनेस हो गई हो तो मे बी शायद तब दिया गया हो, आपने देखा हो कि ग्रैंड पेरेंट्स बीमार हैं तो ग्लूकोज ड्रिप उनको दी गई हो, तो उस टाइम पे मे बी आपने देखा हो, या कोई अदर फैमिली मेम्बर, सपोज योर मदर एंड फादर कोई बीमार हुआ हो, ओके उनको शायद ग्लूकोज ड्रिप दिया गया हो, तो लाइक दैट सम ग्लूकोज ड्रिप गिवन टू अ ग्रैंड पेरेंट्स. नेक्स्ट, नीतूज टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस. मीन्स नीतू है, उसने टीचर को कहा, मतलब कहा कि गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, जब हॉकी खेलती हैं गर्ल्स तो उनको ग्लूकोज देना चाहिए. व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस, ऐसा क्यों किया, आपको क्यों लगता है. तो देखो, when we play in outdoor games we sweat a lot,
विच रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ वाटर. जब हम बाहर खेलते हैं, चाहे रनिंग हो या फिर आप क्रिकेट खेलते हो या फिर आप हॉकी, वॉलीबॉल, कोई भी गेम खेलते हो, आउटडोर गेम्स, ओके, आउटडोर गेम्स खेलते हो, तो ऑन दैट टाइम योर स्वेट अ लॉट इट रिलीज. नाउ रिजल्ट में लॉस ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट की कमी हो जाती है, शुगर की कमी हो जाती है फ्रॉम आवर बॉडी. सो टू रिप्लेनिश दिस लॉस, रिप्लेनिश का मतलब मैंने बताया है कि उसके कमी को पूरा करना, ओके, उसकी भरपाई करना, मतलब उसके बदले हमारी बॉडी में पानी और शुगर एंड सॉल्ट कैसे जाएगा, तो वी शुड हैव ग्लूकोज सॉल्यूशन. हमें ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना ही चाहिए. सो ग्लूकोज सॉल्यूशन लेने के लिए हम लोग बताएंगे कि ये ग्लूकोज सॉल्यूशन क्यों ज़रूरी है. तो अभी भी मैंने बताया ग्लूकोज सॉल्यूशन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज हमारी बॉडी में वाटर, शुगर और किसकी सॉल्ट की कमी को पूरा करता है रिप्लेनिश. ओके, नाउ हियर आप पिक्चर्स देख से बता सकते हो कि हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन, कैसे दी जाती है. सो इन वन पिक्चर यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक इस पेज नंबर, ओके, एंड आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर में दिया हुआ है इसकी पिक्चर, पेज नंबर 28 में, ठीक है. व्हाट हैपन चिल्ड्रन इज योर माउथ वाटरिंग अपॉन सीइंग मी. यू आर ऑल लिटिल चिल्ड्रन. Even the adults cannot control themselves to drool upon seeing me. Everyone likes to eat me and my friends, as we are not only tasty, but provide you with all the nutrients which are required for your health and growth. A few of my friends also take care of your taste buds. And that is why you all like them a lot. But if these food items are eaten in adequate quantity, they will never harm you. Today in this video, I will take you through the journey of food in your body. Hey friends, there is a fair in our village today. Let's all go there. Wow, a fair? Let's go. It is going to be fun. We shall eat chaat, golgappe, play on swings, buy bangles, bindis. Let's go soon. They all reached the fair and played on the swings. Had fun. Let's go and eat pani puri. My mouth is watering at the mere mention of its name. Before eating these yummy golgappas, I can begin to get the tangy taste in my mouth. I like the tangy taste. What taste do you like, Geeta? Oh, these are very spicy. I will have to eat something sweet quickly. I am relieved after eating something sweet. How is it possible for our mouth to differentiate between the various tastes? Meenu starts thinking, how does her tongue do this amazing job of differentiating between tastes? How do we come to know about the different tastes like sweet, spicy, bitter, and sour? With this question in her mind, Meenu returns home with her friends. Meenu asks her mother her question. Mother, how can we know about the taste of something sour before eating it? Or how is it that certain food items provide us with their taste without tasting them? Mother thought for some time, then said, Go and call your friends, Meenu. I will do a fun experiment with
all of you to answer your question. Meenu goes running to call her friends. When all of them arrive, Mother was in the kitchen and she had displayed a few things. All right, children. How is the taste of this? Raw mango, sour, very sour. I like this taste a lot. Okay, children. How is the taste of this? Red chili? My God! It's very spicy. I do not like the spicy taste. Children, there is a tongue in our mouth. There is a specified place for each taste, like sweet, salty, sour, bitter. Ramesh, open a big mouth, bitter, and show your tongue. Children, next time you eat something, remember the different taste buds on your tongue. Meenu's mother had boiled some eggs, and Geeta and Meenu did not like the smell of the eggs, while Ramesh was unaffected by the smell of the boiled eggs. Ramesh, how is it that you do not dislike the smell of boiled eggs? Meenu, I have a blocked nose because of cold. Look, children, when we have cold, our nasal passages are blocked, hence we cannot smell things properly. This is the reason that Ramesh cannot smell the boiled eggs. There are a few things like boiled eggs, fish, pakore, samosas, whose smell make us get their taste on our mouth. Yes, Mother, like the bitter medicine you give me when I am unwell. I shall give you an idea. Next time, whenever you have to take a medicine, close your nostrils with your hand. This way, you will not smell the medicine and it will not taste too bitter as well. Friends, you also tried the idea Meenu's mother has suggested. With the mere mention of the medicine's name, my mouth has become bitter. Mother, please give us the fruits Father had brought. Sure, I will just give you the fruits. Mossy, some fruits are so hard. Yes, children, certain fruits are hard. There is saliva in our mouth which mixes with food and softens it and gives us taste. My grandfather advises that we should eat our food slowly and chew it well, or else our stomach will ache. Absolutely right. We don't have to chew soft food. However, hard food items like guava, roti, we have to chew properly. We should chew our food 32 times. So that it mixes well with saliva and goes easily down the food pipe into the stomach. What? 32 times? Children, you should also chew your food at least 32 times. Mossy, today you have provided us with meaningful information about different tastes. Thank you. Mossy, I want to ask you a question. What happens when food travels from our mouth to our stomach? Now we shall talk about this later. It's almost evening and your mother would be waiting for you.
All right, Mousy. Then let's meet tomorrow. I'm curious to know more about this wonderful journey of food. Children, I hope you like this video and the information provided in it will prove useful to you. In the next video, we will discuss about digestion. Till then, stay healthy, eat healthy. Here, one Martin's window. It means Martin's story hai yahan par. See, one story singing karna hai hamein story ko. So, we'll sing here. Please look at here properly. This story very interesting. I will tell about this story. Here is an old story. It seems too funny. There was a window in Martin's tummy. Okay, this story is very interesting. Please, all of you, you also read one time and I will ask you in Zoom lecture. Here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Okay, actually by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bleed a lot. Students, I will explain you this story in Zoom lecture, but first of all, you have just to sing, okay, this story. Please, all of you, look at here and meanings also. I'll tell you about bleed and stomach, everything. Actually, by mistake, Martin's was shot right in the stomach. I bled a lot. Okay, see, next. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Okay. Oh, what a change for doctors to study what happens to the food inside the body. Okay, this song is very interesting, all of you. Again, oh, what a change for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. Okay, the story seems odd. Ye story thodi odd lagegi, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, you, me and you. Okay, so the story is very interesting, all of you. Please listen carefully this story. According to this story, one story is given and I will explain you. So one story now here. Story, a stomach with a window. Stomach with a window. This story is there. Then we'll learn this story. Now see. In the poem, you read about a soldier. Okay, ek soldier hai jisko se kya kaha jata hai? Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. जब वो 1822 में 18 ईयर्स के थे, मतलब 18 ईयर्स के थे, तब वो हेल्दी थे. व्हेन ही वाज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट. ओके, जब उनको शूट हो गया, मतलब उन सोल्जर थे, उनको गोली लगी, तब ही गॉट सीरियसली हर्ट, बहुत उनको हर्ट हुआ. एट दैट टाइम, ओके, डॉक्टर ब्यूनोमॉन्च वाज कॉल्ड ट्रीट हिम. ओके, उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको बुलाया गया. ओके, सो इन डॉक्टर को बुलाया गया ट्रीटमेंट के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनको शूट हुआ था, उनके ऊपर गोली चलती है ना, जैसे आर्मी होते हैं, सोल्जर में होते हैं मार्टिन. सो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग. जहाँ पर उनको गोली लगी थी, उनको वहाँ पर वाउंड एटलीस्ट पट्टी कर दी और उनके पास ड्रेसिंग किया. आफ्टर वन एंड हाफ ईयर्स, एक या डेढ़ साल के बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैज़ हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. ओके, इट मीन्स एक या डेढ़ साल बाद क्या हुआ, जो मार्टिन का जो वाउंड किया हुआ था, जहाँ पर पट्टियाँ गई थी, वो हील अच्छे से हील हो गई एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. ओके, ही हैड अ बिग होल हिज स्टोमक. उनके होल हो गया था स्टोमक में बहुत बड़ा. द होल वॉज कवर्ड विद द लॉस फ्लैप ऑफ स्किन. और वो कवर किया हुआ था विद द लॉस ऑफ, ओके, जो लूज फ्लैप होता है ना स्किन के ऊपर, उसे कवर्ड हुआ था. लाइक ए वॉशर इन द फुटबॉल. ओके, जैसे फुटबॉल आपने देखा है, फुटबॉल जो होता है, ओके, वॉशर, लाइक द फुट वॉशर इन अ फुटबॉल, उसी तरह उनके होल जो था स्टोमक में, वो कवर्ड किया हुआ था. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इन टू मार्टिन स्टोमक. ओके, आई विल शो यू दैट पिक्चर स्टूडेंट, डोंट वरी.
बट हियर दिस मार्टिन की स्टोरी है, तो आज हम लोग हाफ स्टोरी पढ़ते हैं यहाँ तक, ओके? देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू इच एंड एवरीथिंग. ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रेसिंग हुआ था, उसके बाद इन नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम आफ्टर वन एंड हाफ ईयर में क्या हुआ. ठीक है, अभी हम लोगों ने इतनी स्टोरी पढ़ी है, तो ध्यान से स्टोरी पढ़ना प्लीज़ ऑल ऑफ यू. ओके, सो नेक्स्ट आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, प्लीज़ लुक एट दिस वीडियो.